बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। बिहार में जाकर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और गारंटी देता हूं। वो जो गारंटी है ये है कि भाई जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो तेजस्वी को जेल में भेजूंगा। तो ये कैसे तेजस्वी को जेल भेज सकते हैं? वो तो कानून की प्रतिक्रिया है, ये कैसे भेज सकते हैं? इसका मतलब कानून इनके इशारे से चलता है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा इनको जेल जाना पड़ेगा। तो इनको कैसे पता? कोई कल्चर ऑफ हेट आप पैदा करना चाहते हो, आप अपनी बात बताओ कि आपने हिंदुस्तान के लिए क्या किया। अब इस तरह से तो आप विकसित भारत ला नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मुजरे की बात करोगे और टूटियों की बात करोगे और बिजली काटने की बात करोगे तो वो तो विकसित भारत से कहीं दूर है ना। हम जानते हैं कि कौन व्यक्तिगत रूप में कौन विकसित है, ये हम जानते हैं, बट देश को विकसित करना अलग बात होती है। और इसके लिए जो डायलॉग होना चाहिए इस किस्म का नहीं होना चाहिए। और मैं तो मुझे मालूम है कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगी, कोई और ना इलेक्शन कमीशन करेगी ना कोई और ना कोई, ये तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्डक्ट, द मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, बट नोबडी वुड डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर ऑल हैंड इन ग्लव। एंड देन ही सेड अनदर मोस्ट सीरियस थिंग, ही सेड मैं बिहार में जाकर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और गारंटी देता हूँ। वो जो गारंटी है ये है कि भाई जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो तेजस्वी को जेल में भेजूंगा। तो ये कैसे तेजस्वी को जेल भेज सकते हैं? वो तो कानून की प्रतिक्रिया है, ये कैसे भेज सकते हैं? इसका मतलब कानून इनके इशारे से चलता है, क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा इनको जेल जाना पड़ेगा। तो इनको कैसे पता? तो अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, चाहे वो PMLA हो चाहे कोई और इन्वेस्टिगेटिंग, इनके इशारे से चलता है। तो ये तो आज साबित हो गया, इनकी कन्फेशन हो गई कि मैं इशारा दूंगा तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है ये क्या, किस स्तर तक इसमें गिरावट आ चुकी है? और अगर आप सब चुप रहोगे, आपके चैनल्स चुप रहेंगे, देश की जनता चुप रहेगी, नागरिक चुप रहेंगे, और अगर कोर्ट्स नहीं कुछ करेंगे तो देश का होगा क्या, देश के भविष्य का होगा क्या? हम उस बात से चिंतित हैं।